तो फाइनली यार आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ में वापस। अब यहाँ पे मैं उतरा ओल्ड बेसिन में, लेकिन ये वाले मैच में कहानी बताता हूँ आपको। जब मैं बंदों से फाइट लेता हूँ ना, तो एक बार में बंदे नहीं मरते। अब पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब सामने वाला बंदा वही M4 से वो मारता है ना, जबकि वो वाला बंदा जल्दी मार देता है, और जब हम मारते तो पता नहीं भाई क्या नशे हो जाते हैं कि बंदा मरने का नाम नहीं लेता। अब ये वाले मैच में एक सीन होता है, वो मैं आगे बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे मैं उतरा ओल्ड बेसिन में, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं आता। फिलहाल यहाँ से गाड़ी लेके मैं सीधा आ जाता हूँ थर्ड हिल की तरफ। अब यहाँ पे भी कोई नहीं था, तो लेफ्ट साइड में आ जाता हूँ, क्योंकि ये वाले घरों में बंदे थे। अब चार बंदे थे यहाँ पे, चारों में से एक बंदा बचता है। इस बंदे का डैमेज मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा था। फिलहाल देखो इसको बढ़ना था, मर सकता था यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरे पास सेकंड में पिस्टल के था, कहीं ना कि मैं एक बार अगर सर्वाइव कर सकता था। लेकिन देखो यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था उसको, लेकिन वो नहीं मिलता। तभी उसका फायर आता है, और देखो आप में से बहुत से लोग ये बोलोगे भाई एस्ट्रल के क्यों चलाते हो, इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो यहाँ से कहानी शुरू होती है एस्ट्रल के की। मैंने पहला बंदा एस्ट्रल के से मारा, और लास्ट बंदा भी एस्ट्रल के से ही मरेगा। क्यों पता नहीं मेरे साथ क्यों, जब मैं पहले गन से किसी बंदे को मारता हूँ ना, तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि लास्ट बंदा जिस गन से पहले मारा उसी गन से मरे। फिलहाल एंट्री होती है यहाँ पे सेंट्रल रोड में, यहाँ पे दो बंदे थे, एक बंदा यहाँ से भाग जाता है। मैं वेट कर रहा था कब रेड जोन खत्म होगी, तभी ये वाला बंदा भी भाग जाता है। अब पहाड़ी पे ऊपर एक बंदा जिसने यहाँ पर टॉप लूटा था, वो बचा हुआ था AWM लेके। तो यहाँ पे मैं देख ही रहा था कि तभी पीछे से फायर आता है, और बंदा किसी बंदे को AWM से फायर करता है, यानी मारने की कोशिश करता है। तो मैं चला जाता हूँ इसके ऊपर रस करने। फिलहाल देखो कैसे बढ़ते हैं ये वाले बंदे को। अब यहाँ पे ये वाला बंदा बच जाता है, लेकिन कब तक बचता, एंड देन इसको भगाना था और रस कर देता हूँ। फिलहाल देखो ये वाले बंदे से 1v1 फाइट। और इसी के साथ ये वाला बंदा मर जाता है। अगर यहाँ पे कोई बंदा थर्ड पार्टी करता तो मैं चार गोली में मर सकता था, क्योंकि मेरे पास हेल्थ के नाम पर कुछ भी नहीं था। फिलहाल यहाँ से गाड़ी उठाई, वो सीन यहाँ पे आने वाला है। फिलहाल देखो राइट साइड में एक बंदा था, सामने वाले घर में हल्का सा नोटिस हुआ, मैंने अपनी गाड़ी रोकी, और देखो फिलहाल यही कारण है कि बंदा को दूसरा वेपन मेरे पास एस्टोल का था, तो मारना पड़ा। इतनी गोली मारी इसको हेड ही हेड, मतलब एक गोली भी बॉडी नहीं लगी, सबके सब हेड लगी। यही कारण है कि अब जो मोबाइल लाइट में गोलियां रजिस्टर ही नहीं होती। अब एस्ट्रल के से मैंने इसको मारा, लेकिन कहानी है अभी तक ख़त्म नहीं। फिलहाल यहाँ से निकला मैं, तभी मुझको राइट साइड में फायर आता है बंदों का, और ये वाला बंदा ओक से दूसरे बंदे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो वाले बंदे पास होती है एस्ट्रल की। फिलहाल देखो कितने नेट ग्लिच, कितने नशे। और यहाँ पे इतने नेट गलीच हुए, लेकिन एंड एंड ये वाला बंदा मार जाता है। फिलहाल ये वाला बंदा और पे कुछ बड़बड़ा रहा था, अब समझ में नहीं आया इसकी बात। फिलहाल यहाँ से मैं निकल जाता हूँ और गाड़ी लेके आता हूँ सीधा स्टेडियम की तरफ, क्योंकि ड्रोन यहाँ पे पूरा कट चुका था। अब मेरे पास एक एडवांटेज था कि ये जो आपको सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, इसमें पूरे के पूरे तीन चार बंदे थे। अब मैं अपोजिट साइड जाके इनके पीछे धप्पा कर सकता हूँ, मेरे पास ये एडवांटेज था। लेकिन उससे पहले जाता यहाँ पे, जैसे गाड़ी रोकी भाई साहब सामने होता है एक ऐसे कैंपर जिसके पास एस्ट्रल के। अब यहाँ पे मैं कैसे बचा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन देखो यही कारण है कि एस्ट्रल के चलानी पड़ती है। आप लोग समझ ही गए, आप मेरी पिछली वीडियो देखे होते हो ना, तो आपको समझ में आएगा क्यों एस्ट्रल के चलानी पड़ती है। जो मेरे प्यारे, मतलब प्यारे से व्यूअर्स हैं ना, उनको पता है ये बात।
अब देखो सामने एक और बंदा था, मुझे उसको नेट से उड़ाना था कैसे ना कैसे करके, लेकिन भाई साहब मेरे नेट जो है कहाँ फटते हैं, फट जाते हैं लेकिन बंदा मरता नहीं, बंदा वहीं पे टीवी में लेता, लेकिन नेट उसके बिल्कुल बिल्कुल मुंह पे फटा। आपको मैं दिखाऊंगा बाद में, फिलहाल देखो दूसरा नेट फेंका मैंने, ये से भी बच गया। अब मैं पूरा खुंदक में था भाई, कैसे ना कैसे ये वाले बंदे को मारना। अब देखो ये वाला बंदा कहाँ पे होता है, और इसी के साथ ये वाला बंदा भी मारा जाता है। अब मैं छुप छुप कर क्यों कर रहा था, क्योंकि राइट साइड में गाड़ी खड़ी थी, मुझे श्योर नहीं था ये बंदे की गाड़ी है या इसकी या किसी और की, दैट्स वाई यहाँ पे मतलब छुपता छुपाता आ जाता हूँ। अब मेरे पास एक एडवांटेज था, जोन मेरे पे कटने वाला था, ये बात मुझे अभी पता चली थी जब मैं खेला था, क्योंकि जोन देखो जब मैं खेला था तभी मेरे को ध्यान में आया भाई जोन तो मेरे पे कट चुका है। अब मेरे पास एक एडवांटेज था कि कोई भी बंदा आएगा तो उसको मैं इजी भर दूंगा, क्योंकि मेरे पास हील्स का भी एडवांटेज है मतलब इस ऊंचाई का। और सामने एक और बंदा, फिलहाल देखो भाई साहब मतलब बैठे बैठे भी इतना गंदा डैमेज पड़ता है ना आजकल के लोंडे, पता नहीं क्या लगा के खेल रहे हैं। अब जो चीज़ लगा के खेलते हैं भाई, इसी वजह से बैन पड़ रहा है, जितने भी लोगों को बैन पड़ रहा है मैक्सिमम लोगों को, भाई क्या कर सकते हैं, अब ऐसी हरकतें करोगे तो बैन तो पड़ेगा है ना। फिलहाल छोड़ो उस बात को। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बैठा था क्योंकि मेरे पास जोन का एडवांटेज था, अभी भी राइट वाले बिल्डिंग में एक बंदा था सामने वाले स्विमिंग पूल में, अब एक बंदा मेरे नीचे था, कैसे न कैसे अगर इन दोनों की फाइट होती तो मैं ये थर्ड पार्टी कर सकता था, यहाँ पे मैं ऊपर से भी मार सकता था, मेरे पास एडवांटेज था। लेकिन कहाँ पर एक गलती होती है, मैंने यहाँ पे एम4 गेड़ा के एस्टोल के उठा ली दोनों के दोनों, अगर यहाँ पे बैठा बैठा भी मार सकता था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना भाई, क्यों मतलब गेम प्ले बिगाड़ा जाए, तो इसलिए मैंने एस्टोल के उठा ली दोनों के दोनों। अगर एक रिलोड आ गई तो सेकंड वेपन मेरे पास दूसरा भी एस्टोल की है, मार दूंगा, और यही होता है लास्ट में। फिलहाल देखो फाइट होती है उन दोनों के बीच में, और थर्ड पार्टी कैसे करते हैं ये मैं से सीखो फिलहाल ये वाले गेम में। अब देखो फिलहाल यहाँ पे बैठे बैठे मैं हील मार रहा था, जोन बिल्कुल आ चुका था, मेरे पास अभी भी बहुत सारे स्मोक थे। फिलहाल देखो कैसे बढ़ते हैं इन दोनों बंदों को, और इसी वजह से मैंने एस्टोल की उठाई थी। आप लोगों को पता होगा दोनों बंदों के पास एस्टोल की थी, एंड दैट यहाँ पे आपके भाई ने इजी चिकन निकाली, दैट्स इट, यही था आज की गेम प्ले। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे नो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई के 3K हिट करा दो। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम और गुड बाय।